दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में गोडाउन ट्रेंड की एंट्री किस प्रकार करेंगे। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का अगर गोडाउन ट्रेंड्स का इनवॉइस हमारे पास आए जिसमें कि हमारा जीएसटी टैक्स यानी कि सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स उस इनवॉइस में लगा हो, तो उसकी एंट्री हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार करेंगे और उसका आईटीसी हम किस प्रकार है जो GSTR2 में शो करवाएंगे। और उसके बाद में इस जो हमारे गोडाउन की जो पार्टी है एबीसी गोडाउन, उसका हमें जो TDS डिडक्ट करना है एज पर रूल के अनुसार, तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार करेंगे और हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से टैक्सेशन के फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल भी है। तो दोस्तों सारे प्रोसेस को समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों टेली में हमारी कंपनी ऑलरेडी क्रिएट है, सिर्फ कंपनी ही क्रिएट है, इसमें किसी टाइप की एंट्री अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि जितने भी लेजर बनेंगे और जो भी एंट्री होगी वो सारी की सारी आपके सामने लाइव रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको इनवॉइस को देखते हैं भी, ये एबीसी गोडाउन्स यानी कि हम मैंने एक एबीसी गोडाउन से गोडाउन से जो रेंट पे लिया हुआ है उस इनवॉइस हमारे पास आया है उस रेंट का। अब ये जो रेंट है वो हमारा जून मंथ का यानी कि जून 2021 का है, जो कि हमारे पास आया है, इशू है 2 जुलाई 2021 को। तो अब इसकी एंट्री हमें टेली सॉफ्टवेयर में करनी है, तो उससे पहले कुछ लेजर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे और कुछ फंक्शन हमें इनेबल करने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो GST को इनेबल करना पड़ेगा और एक TDS को भी इनेबल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, शॉर्टकट हम F11 यूज़ करेंगे और उसके बाद में जैसा कि GST आप देख रहे हो तो GST हमारे पास इनेबल हम करेंगे। यहाँ पर हमारी कंपनी का GST नंबर हम डाल देंगे और जो हमारी GSTR1 की है प्रायोरिटी वो हम मंथली इसको एक बार सिलेक्ट करेंगे और इंटरसेप्ट करते हुए इसको हम करेंगे सेव। और उसके बाद में TDS, तो TDS की डिटेल के लिए भी हमें हमारे 10 नंबर की जरूरत पड़ेगी, वो हम डाल देते हैं। और उसके बाद में जो डिडक्टर टाइप है यानी कि हमारी जो कंपनी है वो हम रखेंगे इंडिविजुअल में। और उसके बाद में जो हमारी डिडक्टर ब्रांच डिवीजन है उसको हम रख देंगे एक बार राइसनगर, STD कोड, फोन, ईमेल एड्रेस, इस सभी को हम इसको स्केप करेंगे। और उसके बाद में हम इस ऑप्शन हमारे पास आएगा भी इग्नोर IT एग्जामेशन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन, तो हमें इग्नोर नहीं करना है, इसको हम रखेंगे यस, ठीक है। और उसके बाद में इस विंडो को करेंगे एक्सेप्ट और TCS हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसको कर देंगे नो और Ctrl+A के साथ इस विंडो को करेंगे एक्सेप्ट। तो सबसे पहले अगर हमारी कंपनी की TDS काटने की लाइबिलिटी अगर बनती है तो हमें सबसे पहले TDS के नेचर ऑफ क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्रिएट पर जाएंगे और उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर TDS नेचर ऑफ पेमेंट, इसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे विद TDS ऑन गोडाउन रेंट, और इसकी जो सेक्शन है, जो सेक्शन हमारे पास चार्ट हमारे पास है और इसका सेक्शन आप देख सकते हो हमारे पास आएगा 194I का, ये आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके, 194I यानी कि जो हमारा रेंट है प्लांट एंड मशीनरी का और लैंड और बिल्डिंग फर्नीचर और फिटिंग का, तो दोनों का जो सेक्शन कोड है वो 194I रहेगा, तो 194I। और इसका जो पेमेंट कोड होता है वो 94I होगा। और उसके बाद में विद पेन के साथ हम इसको 10% के साथ TDS डिटेक्ट करेंगे और विदाउट पेन 20%। और इसकी जो डियर सोल्ड एग्जम्पशन लिमिट्स है वो है 2,40,000 रुपये की, यानी कि अगर 2,40,000 के ऊपर की अमाउंट का अगर हम जो रेंट पे करेंगे तो हमें TDS है जो डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो एग्जम्पशन लिमिट हम यहाँ पर डाल देते हैं 2,40,000 की और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके बाद में जो हमारे पास इनवॉइस आया है उस इनवॉइस के आधार पर हमें ABC गोडाउन्स का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम टेली पे चलते हैं, क्रिएट पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे और ABC गोडाउन्स, और ये इसको हम रखेंगे सेंडरी क्रेडिटर्स में, क्योंकि हम यहाँ इनसे जो हमारी सर्विस है वो हम रिसीव करते हैं।
और उसके बाद में इसका जो इस टीडीएस डिडक्टिव इसको हम ये करेंगे यस। तो यस करेंगे तो इसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा जो डिडक्टिव टाइप है इसको हम यहाँ पर रखेंगे इंडिविजुअल रेजिडेंस। अब ये कुछ भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है या कोई फर्म भी हो सकती है, तो हम इसको रखेंगे टीडीएस डिडक्ट इन सेम वाउचर, इसको यस कर देंगे। और उसके बाद में टीडीएस ऑन गोडाउन रेंट जो अभी हमने नेचर ऑफ पेमेंट क्लास क्रिएट करी है उसको सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद में यूज एडवांस टीडीएस एंट्री इसको एक बार यस करेंगे, तो इग्नोर सरचार्ज एग्जाम लिमिट को नो रखेंगे और इग्नोर इनकम टैक्स एग्जामेशन लिमिट इसको एप्लीकेबल करेंगे और टीडीएस ऑन गोडाउन रेंट एंटर प्रेस करते हुए। और यहां पर हमें डालना पड़ेगा पेन नंबर यहां पर हम टाइप कर देंगे, क्योंकि पेन नंबर कंपलसरी, अगर पेन नंबर नहीं डालेंगे तो इसका जो रेट है टीडीएस का वो 20% हो जाएगा। यहां पर हम जीएसटी नंबर भी डालेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद अब गोडाउन रेंट का भी हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, गोडाउन रेंट का, और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा और इसको टाइप ऑफ इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अब जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल है क्योंकि जो हमारे पास इनवॉइस आया है उसके ऊपर जीएसटी है जो लगा हुआ है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो। जो जून मंथ का हमारा किराया है वो 2,80,000 रुपये का है और इस पर 25,200 और 25,200 का सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जीएसटी के अंडर में आ रहा है। तो जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, सेट जीएसटी डिटेल को यस करेंगे और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में हम यहां पर टाइप कर देंगे गोडाउन रेंट और एचएसएन कोड इनवॉइस के जैसे 99712 यहाँ पे एचएसएन कोड डाल देंगे। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हम यहाँ पर देंगे इसको परचेज टैक्सेबल और उसके बाद में इसका जीएसटी का रेट 18% और इसको जो टाइप ऑफ सप्लाई है इसमें हम यहाँ पर सर्विस रखेंगे, इसको ये हमें ध्यान रखना है, गुड्स नहीं करना, सर्विस रखना है। और उसके बाद में इज टीडीएस एप्लीकेबल, तो इस गोडाउन रेंट के ऊपर अभी जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल है तो हम इसको एप्लीकेबल करेंगे और एप्लीकेबल में टीडीएस ऑन गोडाउन रेंट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम चलते हैं, उसके बाद में एक लेजर हम सीजीएसटी भी क्रिएट कर ही लेते हैं, यहीं पे सीजीएसटी टैक्स जो कि हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा और ये जीएसटी रहेगा, सेंटर का टैक्स है और इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है तो इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इस तरीके से हमारे पास एक एसजीएसटी का भी लेजर क्रिएट होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी में जाएगा और स्टेट टैक्स में, इस पर भी टीडीएस नॉट एप्लीकेबल रहेगा। और उसके बाद में एक हमारी लाइबिलिटी जो बनेंगी टीडीएस की, टीडीएस पेबल ऑन गोडाउन रेंट, तो ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा, इसका जो टाइप ऑफ ड्यूटी है वो टीडीएस रहेगा और टीडीएस ऑन गोडाउन रेंट जो हमने क्रिएट करी है उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं परचेज वाउचर पर और उसके बाद हम F9 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे परचेज वाउचर के लिए। और जो इनवॉइस हमारे पास आया वो 2 जुलाई को आया है तो हम F2 करके 2 जुलाई डेट हम सेलेक्ट करेंगे। सप्लायर का इनवॉइस नंबर है जो 1252 है और उसके बाद में जो पार्टी है वो ABC गोडाउन है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर ये आपके ध्यान रहे, यहाँ पर जो इसका मोड है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। अब आपके पास जैसे आइटम इनवॉइस का हो सकता है तो इस तरीके का इनवॉइस आपके पास आएगा जहाँ पर लिखा होगा नेम ऑफ आइटम, तो आपको यहाँ पर मोड चेंज कर लेना है। मोड चेंज करने के लिए हम चेंज मोड पर जाएंगे और इसको हम यहां से कर देंगे अकाउंटिंग इनवॉइस, इस मोड को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सेकंड इनवॉइस को। तो आप देख रहे हो यहां पर जो स्टॉक आइटम की जो डिटेल्स पहले आ रही थी वो अब यहां से हट गई है, एंटर प्रेस करेंगे। और उसके बाद में हमने जो गोडाउन रेंट का जो लेजर हमने क्रिएट किया अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको सिलेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू हम डालेंगे 2,80,000 रुपये की, 2,80,000। और यहाँ पर TDS ऑन गोडाउन रेंट जो TDS भी एप्लीकेबल है 2,80,000 रुपये, क्योंकि जो इसकी एग्जाम्पशन जो लिमिट्स है वो 2,00,000 चली जा रही है तो 2,80,000 को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम CGST को सिलेक्ट करेंगे और SGST टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो इसका जो CGST टैक्स और SGST टैक्स की जो वैल्यू है वो हमारे इनवॉइस के साथ मैच हो रही है, 25,200 और 25,200, तो टोटल इनवॉइस 3,30,400 रुपये का है और यहाँ पर भी 3,30,400 रुपये का है। लेकिन अब हमें TDS भी डिडक्ट करना है तो TDS हम इसी इनवॉइस में ही डिडक्ट कर लेंगे। तो जो हमने लेजर क्रिएट किया TDS पेबल ऑन गोडाउन रेंट
इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर 10% के हिसाब से 28,000 रुपये की जो TDS की वैल्यू है वो माइनस हो गई है, ऑटोमेटिक आ जाएगा ये इस 2,80,000 के ऊपर 10%, तो इसका इनवॉइस की वैल्यू ऑटोमेटिक है जो कम हो जाएगी। और इस वाउचर को हम करेंगे यहाँ से सेव न्यू रेफरेंस और उसके बाद में हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे TDS 28,000 रुपये का और एक्सेप्ट करेंगे। तो हम नरेशन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मंथ ऑफ जून का ये रेंट है हमारा, कोई भी नरेशन हम लिख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी परचेज वाउचर में एंट्री इस गोडाउन रेंट की वाउचर की। अब हम जाके चेक करते हैं GST रिपोर्ट को और TDS रिपोर्ट को। तो इसके लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे, आप डायरेक्टली हम GoTo से भी जा सकते हैं, GoTo पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आप GST रिपोर्ट पर जाएंगे और उसके बाद में GSTR 2 एक बार देखेंगे। तो 2 को देखेंगे तो हम एक बार पीरियड यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो अभी आप देख रहे हो एक एंट्री हमारी B2B के इनवॉइस में आ रही है जो कि अभी हमने करी थी। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो सेम वही एंट्री आपके पास आ रही है 2,80,000 रुपये की और इसके ऊपर जो CGST टैक्स 25,200 और SGST टैक्स 25,200। तो यहाँ पर आपको जो नेट अमाउंट है जो शो करेगा 50,400 रुपये की। तो ये हमारा ITC, इसका मतलब ये हमारा जो B2B के अंदर इसका इनवॉइस बिल्कुल सही आ गया है। अगर हम HSN समरी की बात करें तो HSN समरी के अंदर भी आपको ये सारी डिटेल है जो शो करेगा। तो इसमें इनवॉइस की जो वैल्यू है वो आपको 3,30,400 रुपये की शो करेगा और उसके बाद में टैक्सेबल वैल्यू है 2,80,000 रुपये की और CGST टैक्स 25,200 और SGST टैक्स भी 25,200, यानी कि टोटल 50,400 रुपये का ITC। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो हमारी जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की जो ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल जीरो है। तो यानी कि अभी हमें करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो GSTR 2 है वो बिल्कुल ओके है। अब हम चलते हैं TDS रिपोर्ट पर। तो TDS रिपोर्ट के लिए जाने के बाद GoTo पर हम जाएंगे और उसके बाद में TDS रिपोर्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में फॉर्म 26Q इसको सेलेक्ट करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो हमारा जो TDS हमने डिडक्ट किया है 2,80,000 के ऊपर 28,000 रुपये का, वो भी डिडक्टेबल में शो कर रहा है और यहाँ पे आगे डिडक्ट में ही शो कर रहा है क्योंकि अब ये हमने परचेज वाउचर में ही इसकी एंट्री कर ली। तो ये डिडक्टेबल और डिडक्ट दोनों आपको बिल्कुल बराबर में दिखाएगा, अब हमें इसकी अलग से कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर देख रहे हो हमारी जो एरर है यहाँ पर भी बिल्कुल जीरो है, यानी कि अब हमारी जो TDS की जो रिटर्न एंड सर्विस की वो भी हमारी बिल्कुल ओके बनी है। अब हम इसको देखते हैं एक बार बैलेंस शीट में जाके और हमारी जो लाइबिलिटी है उसको हम चेक करेंगे। तो लाइबिलिटी में आप जाके देखो ड्यूटी या टैक्सेस पर हम सेलेक्ट करेंगे तो अभी आप देख रहे हो जो CGST टैक्स और SGST टैक्स है वो हमारा डेबिट साइड में आ रहा है और ये 28,000 रुपये की जो वैल्यू है TDS पेबल ऑन गोडाउन रेंट, तो ये हमारा क्रेडिट, यानी कि अब ये हमारी लाइबिलिटी बन चुकी है। अब हमें इसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। अगर हमें इसकी बिल वाइज डिटेल देखनी हो तो हम डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे और उसके बाद में हम ABC गोडाउन रेंट्स का लेजर ओपन करेंगे और उसके बाद आपको F8 यानी कि कोलम्बर पर आपको क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना, Ctrl+A के साथ एक्सेप्ट कर देना है। तो इसमें सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी, यहाँ की ग्रोस वैल्यू कितनी है, गोडाउन रेंट का कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है और उसके ऊपर आपने TDS है जो कितना डिडक्ट किया। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें शो हो जाएगी। अगर आप बिल वाइज देखना चाहो तो आप FI करके बिल वाइज देख सकते हो, तो बिल वाइज में भी आपको पता चल जाएगा भी ये आपका इनवॉइस है और ये इस इनवॉइस पे आपने TDS काटा हुआ है 28,000 रुपये का, यानी कि 3,30,400 रुपये का इनवॉइस था और उसके ऊपर आपने 28,000 रुपये का TDS है जो डिडक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम हमारे पास अगर कोई परचेज इस तरीके का कोई गोडाउन रेंट्स की एंट्री हमें करनी पड़े परचेज वाउचर में टेली सॉफ्टवेयर में, वैसे तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग फीचर्स इसके होते हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की, तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की हम इसकी परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे क्योंकि अगर हम परचेज वाउचर में इसकी एंट्री नहीं करेंगे तो हमें जो इसका CGST टैक्स और SGST टैक्स है उसका जो हमारी GSTR 2 की जो रिपोर्ट बनेगी वो बिल्कुल सही नहीं बनेगी। अगर हम इसको जर्नल वाउचर में एंट्री करें या फिर किसी और मोड में इसकी एंट्री करें तो हमारा GSTR 2 है जो बिल्कुल सही नहीं बनेगा। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक देके जरूर जाना, वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ये कमेंट करके भी जरूर बताना। तो दोस्तों अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, आपका कोई सजेशन है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेरी की नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई देने की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।